नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अभिषेक सत्यवर्धन। भारतीय बाजार 3 दिनों की मजबूती दिखाने के बाद, 3 पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशंस दिखाने के बाद आज एक ब्रीदर ले रहे हैं और ये ब्रीदर हो भी सकता है, क्यों ना हो। एक कह सकते हैं कि मोमेंटम बिल्ट कामकाज देखने को मिला, काफी मजबूती कल के सेशन में, तो इनफैक्ट हमने रिकॉर्ड ऊंचाई पर इंडेक्सेस को देखा, तो आज इस तरह के एक ब्रीदर की एक्सपेक्टेशन थी और सुबह से हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको ये बता रहे थे। इस वक्त अगर आप देखेंगे इंडेक्सेस में निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरफ से अगर आप सेंटिमेंट्स को क्लियरली देख पाएं, हम देख रहे हैं निफ्टी 18600 के इर्द गिर्द यहाँ पर मंडरा रहा है, तो क्लियरली 18600 के लेवल्स को बचाकर रखने की कोशिश तो लगातार हो रही है। इस बीच अगर आप देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को, FMCG, मीडिया, ऑटो कंपोनेंट्स, ये सारे के सारे सेक्टर्स से सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। हालांकि मेटल पैक है जहां से आज कमजोरी आई, वही मेटल पैक है जो कि कल एक्शन दिखा रहा था, आज यहां पर हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच आइए बाजार के नुआंस समझते हैं। ट्रेडर स्क्रीन आपके सामने रखते हैं, उसके बाद हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट और टेक्निकल पैनल को भी जोड़ेंगे। निफ्टी बैंक में रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद हम देख रहे हैं आज एक सीमित दायरे में कामकाज देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वॉलेटिलिटी में 2% की गिरावट। अब आप ये देखिए, कल जब बाजार में अच्छी मजबूती थी, वॉलेटिलिटी यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स का जो पैरामीटर है, विक्स है, वो बड़ा था, और आज जब बाजार हल्के फुल्के हैं तब वॉलेटिलिटी में गिरावट, तो क्लियरली ये अच्छा साइन है क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है 2% तक की गिरावट दिखा रही है। निफ्टी के 50 में से 21 शेयरों में अब भी बढ़त है, तो अंडरटोन जो है बाजार का इस वक्त भी बुलिश नजर आ रहा है। और इस बुलिश अंडरटोन में सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन कौन से शेयर से, कौन से सेक्टर से आ रहा है, इस पर एक बार नजर डाल देते हैं। निफ्टी के पुलर्स यानी कि मेजर कंट्रीब्यूटर्स की कैटेगरी की बात करें, रिलायंस, कोटक बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स हैं जहाँ पर अच्छे खासे गेंस हैं। लेकिन बिकवाली का दबाव हम देख रहे हैं, LNT, HDFC ट्विंस जो कल चल रहे थे आज नहीं चल पा रहे, हिंडालको और सन फार्मा जैसे काउंटर्स। तो ऑल इन ऑल अभिषेक कहा जाएगा कि एक म्यूटेड स्टार्ट दिखाई था, उसके बाद बाजार ने संभलने की कोशिश की और थ्रू आउट द सेशन जो है एक हल्की फुल्की रेंज में ही बाजार ट्रेड कर। बिल्कुल, अगर आप नीचे से देखेंगे मानसी तो 50 अंक ऊपर है, ऊपर से देखें 50 अंक नीचे है, तो एक रेंज में ही है। और शुरुआती घंटे के एक्शन के बाद हमने अभी तक बाजार को रेंज में ही कारोबार करते हुए दिखा है, लेकिन आखिरी घंटे के सत्र में क्या बाजार अपने रेंज का ब्रेकआउट करेगा, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और आज आपको गाइड करने के लिए, आपको राय देने के लिए इन्वेस्ट शॉप इंडिया के आशीष कपूर हमारे साथ है, और इसके अलावा हमारे आज के टेक्निकल एक्सपर्ट ध्वनि और कपिल शाह भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आशीष जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखिए, निफ्टी बैंक का तो हाई बन गया और अब इंतजार है निफ्टी के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के, लेकिन जैसे होता है कि जब एक नया शिखर सामने खड़ा होता है तो थोड़ी सी चढ़ाई कठिन हो जाती है, क्या वही स्थिति बाजार में इस वक्त है? क्या 18,900 के आसपास तक का जो रिकॉर्ड हाई का लेवल है निफ्टी, उसको भी पार करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा क्या आपके हिसाब से? हाँ जी, हाय, हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को लगता है मोमेंटम जिस तरह से है, आई थिंक जस्ट फॉर्मेलिटी, जो ऑल टाइम हाई है, आई थिंक किसी भी दिन हो सकता है, दैट्स नॉट अ मेजर थिंग, अब ज्यादा है भी नहीं, इट्स जस्ट आई थिंक 1.5% और यहाँ से, तो वो तो कोई ऐसे कोई बात नहीं, कोई भी लार्ज कैप स्टॉक में किस दिन मोमेंटम आएगा तो दैट विल टेक इट अप। और लार्ज कैप में भी मैं समझूंगा कि कैश तो बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी और मोमेंटम दिखा सकते हैं, और आई डोंट थिंक देयर इज अभी इमीडिएट कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा कुछ कोई हेडविंड आने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स भी ज्यादातर काम है और यहाँ पे वैसे भी हम काफी देर से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के विपरीत चल रहे हैं, हम अपने ही तेजी में चल रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा कुछ इमीडिएटली बिकॉज ऑफ वरी है। आई थिंक ऑल टाइम हाई इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, जो किसी भी दिन वी कैन रिकवर, वी कैन गो पास्ट दैट। आशीष जी, एक और सवाल, अब चूंकि यहाँ से बमुश्किल 250 अंकों के आसपास की दूरी रह गई है, और आप सही कह रहे हैं कि बाजार का जो अंडर करेंट है वो मजबूत है, आप ये बताइए कि यहाँ से अगर हम सेक्टर वाइज अगर बांट लें, अगर हम स्टॉक्स अगर चुनना चाहें तो क्या लगता है आपको कि क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स तो चल चुके हैं, क्या यही आगे भी लीड करेंगे, हालांकि मेटल देख रहे हैं आज कमजोर है, तो लीडरशिप यहाँ से आप कहाँ पर देख रहे हैं अब? देखिए, मेरे मुताबिक लीडरशिप विल बी वेरी ब्रॉड बेस्ड, मेरे को नहीं लगता कि ये मार्केट काफी कोई नैरो बेस्ड 2-3 सेक्टर्स का चलेगी, आई थिंक काफी सेक्टर्स प्रेफर करेंगे। और जहां तक बैंकिंग का सवाल है, मैं समझूंगा कि यहाँ पे अभी भी अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो अभी भी कई चीजें हैं जो अवेलेबल हैं बड़ी अट्रैक्टिव लेवल पे। अगर आप देखें तो HDFC बैंक काफी देर से रेंज बाउंड है, विच इज वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज अगर आप पिछले
ऑलमोस्ट जब से ये लिस्ट हुआ है 1995 में, यहाँ तक 2 साल पहले तक देखें तो 25-26 साल का ये आउट परफॉर्मर है बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी, और पिछले 2-2.5 ऑलमोस्ट 3 साल से काइंड ऑफ रेंज बाउंड है। तो HDFC बैंक इटसेल्फ इज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर किसी के पास समय की ना पाबंदी हो, क्योंकि HDFC का मर्जर होगा, कब जाके करंट आएगा इसमें कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली इट इज स्टिल अवेलेबल एट अ गुड, रिलेटिवली गुड वैल्यूएशन। तो हिस्टोरिकल अगर वैल्यूएशन कंपेयर किया जाए तो इट्स अ गुड वैल्यूएशन एंड काफी देर के अंडर परफॉर्मर है। चार में बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही पिछले कुछ महीनों से पब्लिक सेक्टर स्पेस हैज अंडर परफॉर्म, ज्यादातर जो ये बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई में गया है इज गॉन विद द हेल्प ऑफ 3-4 बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस मेनली, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में SBI को छोड़कर बाकी जो हैं थोड़े से काफी कुछ कुछ महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं सुनूंगा उसमें भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी जो रैली आई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो फुली प्ले आउट नहीं हुई, अभी और भी उसमें दम है। और अगर आप देखें तो कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो PNB, तीनों में अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ये तो रहा बैंकिंग का। इसके अलावा मैं समझ रहा हूँ कि IT सेक्टर बहुत अभी भी, डिस्पाइट थोड़ा सा रन अप हुआ है नीचे के लेवल से, पर अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि IT का जैसे भी हो जाए दुनिया में टेक्नोलॉजी का जो बूम है उसको, उसके लिए हिंदुस्तान का बैकएंड बहुत जरूरी है और जो बैकएंड ये कंपनीज देती हैं। तो इसलिए मैं समझूंगा कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है IT सेक्टर में, उसमें दिग्गज काउंटर्स हों या मिड कैप में अच्छे क्वालिटी काउंटर्स हों, उन सब में खरीदारी का अभी भी मौका है। इसके अलावा मैं समझूंगा कि कंजम्पशन एक और थीम है जिसमें हम अभी खेल सकते हैं, उसमें भी कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफी देर से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मसलन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे बाटा, बाटा रिलेटिवली हैज अंडर परफॉर्म अभी भी उसमें है। जुबिलेंट फूड एक और काउंटर है जिसमें मैं समझूंगा कि काफी देर से मंदी में है, उसमें परफॉर्मेंस आ सकती है। फिर फार्मा एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे अच्छी दोबारा मोमेंटम देख रहे हैं आफ्टर नंबर ऑफ इयर्स, तो DVs में हमने देखा है बहुत अच्छा मूवमेंट आया है नीचे से, वे एक्सपेक्टिंग सिमिलर मूवमेंट इन सिप्ला एंड ऑल्सो डार्क हॉर्स हियर कैन बी बायोकॉन। चलिए तो बिल्कुल क्विक राउंड अप, फंडामेंटल आउटलुक आपको आशीष जी ने बड़े अच्छे से बता दिया, मार्केट पर इस वक्त किस तरह का बन रहा है, लेकिन टेक्निकल आउटलुक क्या है इसको भी समझना होगा, क्योंकि इंडेक्सेस आज हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी तो रेंज में है और ब्रॉडर इंडेक्सेस भी बिल्कुल निफ्टी और बैंक निफ्टी को मिरर ही कर रहे हैं, रेंज में ही कामकाज कर रहे हैं। ऐसे में फंडामेंटल नजरिया और स्टॉक पिकिंग क्या होनी चाहिए, ये वो समझते हैं। हमारे साथ फिनलोन एकेडमी एंड एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के कपिल शाह जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ फिन वर्सिफाई की ध्वनि पटेल भी जुड़ गई हैं। ध्वनि, कपिल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका इटिनॉर स्वदेश पर। ध्वनि, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए इस रेंज बाउंड सेशन में किस तरह के मौके ढूंढ रही है मार्केट में, ट्रेडिंग आइडियाज कौन से स्पॉट किए आपने, स्टॉक्स कौन से आपके रेडार पर? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से 2 स्टॉक्स है, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है तो मैंने भी यहाँ पे बाय और सेल दोनों का एक रिकमेंडेशन रखा है, क्योंकि हमें दोनों तरफ ही यहाँ पे एक पोजीशन रहनी चाहिए और ट्रेंड स्पेसिफिक ट्रेड जो है उसे ध्यान में रख के अभी फिलहाल हमें चलना होगा। तो सबसे पहले मेरा जो ट्रेड है वो है, सेल रिकमेंडेशन है टाटा केमिकल्स पे। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो वीकलीस पे भी ये चार्ट काफी यहाँ पे एक कमजोरी दिखाता हुआ दिख रहा है, उसकी जो 50 और 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वीकलीस पे, डेलीस पे डेफिनेटली उसके नीचे ही चल रहे हैं, वीकलीस पे भी आज उसके नीचे के यहाँ पे मूव्स देखने को मिले हैं। तो करंट लेवल से आपको टाटा केमिकल्स में सेल करना है, इसका जो टारगेट रहता है नीचे की तरफ में 750 का रहता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म का एक जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो 975 का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा जो है वो बाय रिकमेंडेशन है, ओवरऑल मैकडॉनल्ड्स का यहाँ पे जो चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो मैकडॉनल्ड्स में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टॉक ने और एक मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ का पकड़ा हुआ है, करंट लेवल से आपको उसको बाय करना है। उसका जो टारगेट यहाँ पे बनता है तो 900 का फर्स्ट टारगेट है, 900 के ऊपर आपको इसके अंदर फर्दर एक अपमूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप 925 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे रखना है तो आपको 850 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो चलिए एक और खरीदारी की मैकडोवेल्स और साथ ही टाटा केमिकल्स पर बिकवाली की रहा, हालांकि आप मिड कैप केमिकल प्लेज आज परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन टाटा केमिकल्स में गिरावट, इस गिरावट में और ज्यादा गिरावट हावी हो सकती है और इसी के चलते सेल कॉल 950 तक के टारगेट्स बन
जानकर चल रही है। इस बीच शुगर स्पेस के कुछ तमाम नंबर्स आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मवाना शुगर के नतीजे हैं, नतीजे अच्छे रहे और उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव देखने को मिला और इस वक्त ईआईडी पेरी के नंबर्स भी ऑन द फेस ऑफ इट कंपनी की आय और मुनाफे में इजाफा जरूर देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक जो है वो रिएक्ट डाउन साइड कर रहा है। करीब 2.5% की यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली और मवाना शुगर में तो हमने एक मजबूती भी देखी है पोस्ट रिजल्ट का इम्पैक्ट। इस पर बातचीत होगी, लेकिन कपिल आप अपने ट्रेडिंग आइडियाज बताइए, क्या खरीदारी की कॉल्स हैं आपकी लिस्ट में आज? यस, गुड आफ्टरनून मानसी, अभिषेक। तो आज के जैसे मार्केट का मोमेंटम देख रहे हैं तो मेरे पास दो एक बाय के कॉल यहाँ पे बनेंगे। पहला कॉल है जीएसटीएल का। हालांकि ऑयल एंड गैस सेक्टर में इतने कुछ खास मोमेंटम हम देखने नहीं मिल रही है, लेकिन जीएसपीएल अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे काफी अच्छा मुझे बाय लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि पिछले तीन बार जब भी जीएसपीएल नीचे गिरा हुआ है तो 40% का एक करेक्शन देखने मिला था, उसके बाद में हमने रिबाउंड होते हुए देखने मिला था। तो वही पैटर्न यहाँ पे भी हो रही है कि 40% करेक्शन के बाद में उसने मंथली चार्ट पे सपोर्ट लेवल लिया हुआ है, बेस बनाया हुआ है और वहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिल रहे हैं। तो गिरना, बेस बनाना, ब्रेकआउट करना, तो ये एक समीकरण वहां पे एक उसके चेंज आते हुए हमें देखने मिलते हैं कि पहले जो सेलिंग प्रेशर काफी हावी थी वो अभी कम हो के अभी बाइंग में कन्वर्ट हो रही है और पिछले के काफी हफ्तों के जो कंसोलिडेशन पैच था वहां से हमें एक आज की तारीख में ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो जीएसपीएल अभी 303 के लेवल पे चल रहा है, तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे बाय करने का व्यू बनता है। 285 का नीचे पे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में इसका इमीडिएट टारगेट जो बन रहा है वो 330 का आ रहा है। तो जीएसपीएल एक पहली पसंद रहेगी। और दूसरा स्टॉक हम जो देख रहे हैं कि सुबह की में हमने देखा था कि मार्केट काफी अंडर प्रेशर, थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर में था और अभी काफी अपने दिन के ऊपरी स्तरों पे आ गया है मार्केट। तो मार्केट की जो डाउन टू अपसाइड की जर्नी रही हुई है वहां पे फाइनेंशियल स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में मेरी दूसरी पसंद एक आरईसी स्टॉक की रहेगी, जो कि आरईसी पीएफसी काफी टाइम से एक मोमेंटम में है और आज भी एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने ऊपर में मिल रहा है। तो आरईसी की मोमेंटम और कंटिन्यू हो वो एक एक्सपेक्टेड बनती है चार्ट से। तो यहाँ पे 138 के यहाँ पे आरईसी चल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस पे आरईसी एक बाय का व्यू बनता है। 128 ₹10 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा और ₹20 में टारगेट 158 के यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल हम देख सकते हैं। ठीक है, तो कपिल को पावर पसंद थी, पावर में आरईसी खरीदने की सलाह है टारगेट 158 का और जीएसपीएल पर भी बाय की सलाह है 330 के लक्ष्य के लिए। ये दो शेयर दोनों तेजी खिलाड़ी कपिल की तरफ से, लेकिन ईआईडी पैरी जिसका जिक्र मानसी कर रही थी नतीजे आ गए हैं, अब नतीजों के सारे नंबर्स आ गए हैं तो इसके जिक्र फिर से करना सही रहेगा। आप आय देखिए बड़ी है, एबिटा देखेंगे, कामकाजी मुनाफा वो भी बढ़ के आया है, तो ये दोनों आंकड़े सही है, लेकिन स्टॉक जो गिरा इसके चलते क्योंकि जो मार्जिन के फिगर आए हैं वहां पर 1% की कमी हमें देखने को मिली है और शेयर इस वक्त दिन के निचले स्तरों के आसपास 2.5% के आसपास की कमजोरी है ईआईडी पैरी के शेयर में। आशीष जी आपसे जरा राय चाहेंगे, क्योंकि शुगर स्टॉक्स को लेकर देखिए जो थियरी थी कहीं ना कहीं एथेनॉल वाली वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके चलते शेयर ये ऑलरेडी चल चुके थे, हम देख रहे हैं कि अक्टूबर के बाद से लगातार एक करेक्शन वाले फेज में ईआईडी पैरी है, तो आपको क्या लगता है कि आज के नतीजों के बाद अगर आपसे कोई व्यू पूछे क्या ये कमजोरी अगर और गहराती है तो मौका बन सकता है क्या? जी बिल्कुल बनता है, मेरे मुताबिक एक इथेनॉल, जैसा हमने ठीक बताया इथेनॉल की स्टोरी बहुत ही लंबी स्टोरी है, अभी कोई ऐसा कोई अंत नहीं उसका जल्दी होने वाला और बहुत ज्यादा वॉल्यूम और प्राइस का इसमें उनको फायदा मिलेगा। ईआईडी पैरी वैसे भी एक बहुत अच्छा वैल्यू पिक है क्योंकि इसके अंदर चोलामंडलम का भी कोरामंडल फर्टिलाइजर का भी स्टेक है, तो ऐसे भी इट्स अ बिग वेरी गुड वैल्यू पिक और मैंने समझा कि इस गिरावट में जरूर इसमें खरीदारी करना चाहिए। जैसा शुगर सेक्टर मेरे मुताबिक इट्स अ बेस्ट वैल्यू पिक ईआईडी पैरी। ठीक है, ईआईडी पैरी पर आशीष जी का भरोसा है, लेकिन इस बीच एनएमडीसी को लेकर खबर आ रही है कि लंप ओर की कीमतों में ₹300 प्रति टन की कटौती की है और शेयर हालांकि ज़्यादा एक्शन नहीं है, हल्की सी तेज़ी के साथ ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन जरा मेटल स्टॉक्स पर कुछ नज़र डालेंगे क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मेटल का मूड कमज़ोर है। आप वेदांता देखेंगे वहाँ पर डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, वो शेयर फ्यूचर्स में सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर है, 5.5% के आसपास कमजोरी है, लेकिन जो फ्रंट लाइनर्स हैं जो इंडेक्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट देते हैं और कमजोरी में नुकसान भी पहुंचाते हैं, हिंडाल्को टाटा स्टील, ये 1 से लेकर 1.5% के आसपास की कमजोरी इन दोनों ही शेयरों में है। इस पर कपिल जरा आप व्यू दीजिए क्योंकि ये ट्रेडिंग बेट्स बन के रह गए हैं सारे के सारे मेटल स्टॉक्स, आपको क्या लगता है टाटा स्टील इसका सपोर्ट कहाँ पर है और क्या ये और कमजोर हो सकता है या फिर 100 के आसपास जाए तो खरीदने का अच्छा मौका होगा?
मेटल सेक्टर ओवरऑल देखे तो पिछले 3-1 दिनों में हमें काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी, लेकिन 3 दिन के अपसाइड के बाद में जो उसके कंसोलिडेशन पैच का अपर लेवल था वहां पे पहुंच आया और आज हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है। और वैसे भी मेटल स्टॉक्स ने इन दिनों में कुछ खास परफॉर्म भी नहीं किया हुआ है, तो एक ओवरऑल मेटल स्टॉक्स पे एक साइडवेज टू नेगेटिव व्यू जैसा तो बनता ही है। और यहाँ पे हम टाटा स्टील की भी बात करते हैं, तो टाटा स्टील भी काफी टाइम से एक ही रेंज में चल रहा है, 110 से 112 ऊपर की रेंज में, और नीचे में कहां ना कहां पे 104 से 102 के नीचे की रेंज में चलते हुए हमें देखने मिल रहा है। इसके जो हम मूविंग एवरेज देखते हैं शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, सारी की सारी मूविंग एवरेज फ्लैट है, जो इंडिकेट करती है स्टॉक में एक साइडवेज टू नेगेटिव व्यू ही चलते आ रहा है। आज के दिन में हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक का जो रेंज है वो तो इंटैक्ट ही रहेगा, लेकिन करंट लेवल से भी एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल सकता है। ज्यादा गिरा हुआ तो नहीं, लेकिन इसमें नीचे में इसका 104 और 103 की जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है तो वहां तक वो ट्रैवल कर सकता है। तो बेसिकली 107 पे चल रहा है तो 110 के अराउंड का स्टॉप लॉस बैठता है और नीचे में 103 का रिस्क रेशियो आपका 1:1 का ही रहेगा इसमें। ओके चलिए मेटल पैक पर कुछ न्यूज फ्लोज भी है जिसके चलते हम यहाँ पर कुछ कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं। इस स्पेस को हम फोकस में जरूर रखेंगे, लेकिन इस बीच कुछ और स्पेसेस हैं और कुछ और स्टॉक्स हैं जो कि आज के कमजोर बाजार में या म्यूटेड मार्केट में भी चल रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा पर ध्वनि आपकी राय एक बार जानना चाहेंगे। आज सुबह 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी, गोल्डमैन सैक्स की पॉजिटिव रिपोर्ट, खरीदारी की राय तो है ही, टारगेट्स इन्होंने बढ़ा दिए 610 से 680 के टारगेट, और साथ ही बोफा सिक्योरिटीज ने तो इनफैक्ट 725 तक के टारगेट्स औरोबिंदो फार्मा के लिए एंटिसिपेट किए हैं। अब देखिए दिन की शुरुआत से ही एक बार खाली 612 के निचले स्तर देखे, लेकिन उसके बाद वन साइड अप 650 तक के लेवल्स पर इस वक्त ये ट्रेड करता हुआ, 6% की तेजी है। जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे हमें ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है तो उसमें भी स्टॉक ने आज एक वॉलेटाइल ब्रेकआउट दिया है, जिसके साथ वॉल्यूम्स का भी यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम वीकलीज पे भी देखते हैं तो इसके टारगेट्स डेफिनेटली ऊपर की तरफ बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड इसका है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट हमें मिला है वीकली चार्ट पे भी। करंट लेवल से इसके अंदर एंट्री करी जा सकती है। टारगेट्स इसके जो पहले रहेंगे तो 705 का टारगेट बनता है, उसके बाद उसको 735 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है तो स्टॉप लॉस इसका थोड़ा सा डीप जाता है, जिसमें 625 का स्टॉप लॉस बनता है, बट ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड के प्रस्पेक्टिव से देखें तो ये काफी फेवरेबल ट्रेड है। फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से औरोबिंदो फार्मा अच्छी मजबूती और ये टारगेट्स जो ब्रोकरेजेस को नजर आ रहे हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी सही लग रहे हैं, आज से और ज्यादा तेजी दिखेगी। आशीष जी, सीमेंट सेक्टर को आज आप देखिए और मिड कैप सीमेंट प्लेज में ऑफकोर्स खबर है जिसका असर है दक्षिण भारत में जो दामों में बढ़ोतरी की खबर आई है, और इनफैक्ट मई में प्राइजेस काफी अच्छे बढ़े हैं और पर्टिकुलरली अगर चैनल चेक्स की माने तो जून के लिए भी एंटिसिपेशन है कि प्राइस हाइक्स नजर आ सकते हैं। मिड कैप सीमेंट प्लेयर्स या फिर वो सीमेंट प्लेयर्स जो कि दक्षिण भारत में कार्यरत हैं, इनफैक्ट इन तमाम स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे, इंडिया सीमेंट देखें, जेके सीमेंट है, रैमको सीमेंट, अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है। हैवी वेट्स तो है ही, लेकिन इस वक्त ये जो सदर्न प्लेयर्स हैं उस पर राय क्या होगी, सीमेंट सेक्टर पर आपका ऑल व्यू क्या होगा? देखिए मेरे मुताबिक सीमेंट बहुत पॉजिटिव सेक्टर है और इसमें अभी जो तेजी हुई है एक तरह से शुरुआत आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये जो पहली तिमाही के नतीजे आएंगे इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि इनकी जो वॉल्यूम है हम देखें लगातार बढ़ रही है। इसमें प्राइस रिविजन का भी बहुत स्कोप है सब कंपनीज के पास, क्योंकि जिस तरह से डिमांड आ रही है, तो मेरे मुताबिक ये जो पहला तिमाही है इसके नतीजे बहुत ही अच्छे बम्पर आएंगे अक्रॉस द बोर्ड, और जहां जहां डिमांड सप्लाई इवन बेटर है जैसे आप कह रहे हो साउथ इंडिया में, वहां तो और बहुत ही अच्छे बम्पर रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो मेरे मुताबिक ये तेजी अभी शुरुआत हुई है, अभी इसमें बहुत आगे दम है और मैं समझूंगा कि इसमें तो दिग्गज काउंटर्स हैं, उनमें जरूर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ठीक है, जो दिग्गज जो स्टॉक्स हैं सीमेंट में वहां पर मौके खोजने चाहिए। आशीष जी आपसे जरा ना राय चाहेंगे ट्रैवल टूरिज्म होटल वाले स्टॉक्स पर, क्योंकि आप देखिए आज भी कुछ कुछ होटल्स हैं जहां पर अच्छी मूव्स हैं, कापंत होटल्स, वायसराय होटल्स, इंडियन होटल्स, यहां पर भी अच्छी तेजी है 1.5% के आसपास की। इसके अलावा महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स यहां पर 4% के आसपास के मूव्स से, और लगातार तीसरे दिन ये शेयर चल रहा है। अभी कल ही हम कंपनी के मैनेजमेंट से कविंदर सिंह से बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि जो ऑक्यूपेंसी है वो बहुत ही शानदार है और कोई लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है, जो भी रिजॉर्ट्स हैं जहां भी हैं वो फुल चल रहे हैं। आपकी कोई राय इस स्टॉक पर
या फिर इस स्पेस में कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है जहां पर कोई फंडामेंटली किसी के लिए मौके अच्छे बन रहे हो? देखिए इस स्पेस में आई हैव बीन बुलिश ऑन इंडियन होटल्स एंड आई थिंक अभी भी समझूंगा कि इंडियन होटल्स ही बेस्ट काउंटर है क्योंकि इसका एक तो बहुत अच्छा प्रेजेंस है, उनका जो पूरा एक्ट है वो बहुत अच्छा प्ले आउट हो रहा है और एसेट लाइट मॉडल के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऑलरेडी शेयर अगर आप कोविड के बॉटम को देखें तो वहां से 5 times से भी थोड़ा ज्यादा चल चुका है, बट मैं समझूंगा कि अभी भी इसमें काफी दम है क्योंकि आगे जिस तरह से आप ठीक बताया कि अभी भी बड़े सालों के बाद ये सिचुएशन है कि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है जहां तक कि रिजॉर्ट्स और होटल की ऑक्यूपेंसी की बात है, और वो बहुत जल्दी बदल नहीं सकती क्योंकि जब नए होटल्स कोई बहुत जल्दी नहीं बन सकते और कुछ साल लगेंगे ये डिमांड सप्लाई गैप को भरने में, तब तक इन सब के बहुत अच्छे मुनाफे आने चाहिए। और मैं समझूंगा कि अभी भी डिस्पाइट द रन अप अभी भी आपको बेस्ट क्या जाना चाहिए और बेस्ट इंडियन होटल्स ही है। ओके ठीक है, सबसे बड़ा होटल भी है और बेस्ट इंडियन होटल्स भी है, कैपेसिटी एक्सपेंशन भी है इंडियन होटल्स की इन स्पाइट ऑफ दिस कि एक दो दिन थोड़ा बहुत इसमें चर्निंग हुई लेकिन फिर से अपने बुल रन में ये कंटिन्यू आपको शेयर होता हुआ दिख रहा है, आज 1.5% तेज है। धोनी एक दो शेयर मेरे पास और भी हैं जहाँ पर थोड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट वॉल्यूम वगैरह का बस काफ़ी अच्छा है, मैं जरा वो आपके सामने रखता हूँ। एक बार जरा रैमको सीमेंट चेक करना, ये रैमको सीमेंट को BTST कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये सेकेंड डे भी मूव कंटिन्यू करेगा इस पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, एक बार जरा रैमको सीमेंट आप चेक करो तो। जी बिल्कुल डिम्पी, जब हम सीमेंट सेक्टर की बात कर रहे थे तो सबसे पहले मैंने जो चार्ट देखा था वो रैमको सीमेंट्स का ही था। ओवरऑल यहाँ पे वीकलीज पे देख रहे हैं तो पिछले 3 हफ्ते से इसके अंदर एक कांस्टेंट अपमूव देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल भी यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ओवरऑल मूव यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है, ऊपर की तरफ पे 950 का जो लेवल है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए मैं अभी इसको रिकमेंड नहीं करूंगी, बट जिनके पास एग्जिस्टिंग ट्रेड है वो 950 तक इसको होल्ड करके वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो रैमको सीमेंट के अंदर आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, क्या शानदार मूव आप देख रहे होंगे, एक महीने के अंदर 24% है शेयर का। ये कुछ सदर्न इंडिया वेस्ट की जो कंपनीज है ना, इंडिया सीमेंट रैमको सीमेंट, थोड़ा चलती स्लो है लेकिन इनका मोमेंटम 2-4 दिन कंटिन्यू रहता है, इसलिए मैंने धोनी से ये सवाल पूछा। खैर आगे बढ़ते हैं, अब सृष्टि मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही है, जुबिलेंट फूडवर्क को लेकर कुछ खबरें हैं उनके पास कि शेयर में ऐसी क्या दिक्कत है जिसकी वजह से जुबिलेंट फूडवर्क में फार्मा के अंदर, माफ कीजिए, जुबिलेंट फार्मा के अंदर जहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, एक बार उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सृष्टि जरा बताइए जुबिलेंट फार्मा में क्या हो रहा है? जी रिम्पी, आप देखिए जुबिलेंट फार्मोवा आज 7% की गिरावट दिखा रहा है, शुरुआती दौर में हमने 9% की भी यहाँ पे गिरावट आते हुए देखी और कई सारी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के चलते आप देखिए ये स्टॉक में गिरावट है। सबसे पहले कंपनी के नतीजों की बात करते हैं, काफ़ी कमज़ोर नतीजे रहे हैं जहाँ पे कंपनी के मार्जिन भी साल गिरते हुए नजर आए हैं, साथ ही बाकी सभी पैमानों पे भी साल दर साल कटौती हुई है और साथ ही कंपनी का जो कर्जा है वो बढ़ते हुए नजर आया है। FY23 में करीब 2200 करोड़ के आसपास कंपनी का जो है कर्जा आ चुका है जो कि पिछले साल करीब 1950 करोड़ के आसपास था। अब अगर हम देखेंगे कर्जे में बढ़ोतरी क्यों आई है, क्योंकि कंपनी लोन ले रही थी, कंपनी नया फंडिंग ले रही थी अपनी मॉन्ट्रियल की एक फैसिलिटी को एक्सपैंड करने के लिए और उसको लेके ही आज एक नेगेटिव खबर आई है जहां पे USFDA ने इनके मॉन्ट्रियल जो CMO प्लांट है उसको जो है OAI का स्टेटस दे दिया है। अब OAI क्या होता है, ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटर, जहाँ पे जब तक जितनी भी चीज़ें ठीक नहीं पाई गई हैं उनका रिजोल्यूशन नहीं हो जाता है, कोई भी नए प्रोडक्ट्स का अप्रूवल उस पर्टिकुलर प्लान से नहीं मिलेगा। और साथ ही ये एक नेगेटिव खबर है क्योंकि कंपनी जो है एक्सपेंशन प्लान कर रही थी जहाँ पे अगले 5 साल में अपनी कैपेसिटी डबल करने के लिए योजना बना रही थी, साथ ही भी ले रही थी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आया है वो है मैनेजमेंट चेंज, जहाँ पे कंपनी के MD मिस्टर हरी एस भारतिया जो है उन्होंने MD के पद से इस्तीफा दे दिया है, बट इसके अलावा एक दूसरा अपॉइंटमेंट मिस्टर भारतिया का हुआ है जहाँ पे मिस्टर प्रियाव्रत भारतिया अब कंपनी के MD की पोस्ट संभालेंगे। तो ये कुछ तमाम खबरें हैं जिसके चलते आज स्टॉक में हम गिरावट देख रहे हैं।
बिल्कुल, तो यहाँ पर न्यूज़ फ्लोज हैं जिसके चलते जुबिलेंट फार्मा, ऑफकोर्स नतीजे तो कमज़ोर आए हैं, उसके बाद कुछ ट्रिगर्स हैं जो कि इस वक्त वर्कआउट नहीं कर पा रहे, इसके चलते आप देखिए 7% तक की भारी गिरावट। एक बार ध्वनि आपसे ही जानना चाहेंगे, काफ़ी गिर चुका है स्टॉक, इनफैक्ट अगर आप देखें दिन की शुरुआत से ही जो वन साइड डाउन ट्रेंड देखने को मिला, भारी पिटाई हुई है, 7% तक की गिरावट इस वक्त नजर आ रही है, जुबिलेंट फार्मोवा के चार्ट से एक बार चेक कीजिए आप। जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो देखते हैं तो आज के इस मूव ने चार्ट स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर दिया, बट इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कल का फॉलो अप जो डाउन मूव रहेगा उसको विटनेस करना, क्योंकि यहाँ पे चार्ट ने जो ब्रेक डाउन दिया है उसने वहां पे हमें एक 50 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वहां पे सपोर्ट लेके एक बाउंस इंट्राडे हमें देखने को मिला है, तो इसी लेवल को नीचे की तरफ में क्रॉस करते हुए 325 के नीचे अगर ये स्टॉक कल इसका फॉलो अप मूव देता है तो वहां से हम इसके अंदर शॉर्ट देख सकते हैं, और इसकी जो शॉर्ट्स लेवल है तो आप इसमें 300 तक का एक जो डाउनफॉल है वो कंप्लीट विटनेस करने को मिलेगा। ये डाउनफॉल है और डाउनफॉल आगे भी विटनेस हो सकता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक फार्मा स्पेस काफ़ी हद तक इन दिनों हम देख भी रहे हैं, जहां जहां बाजार में कमजोरी आई वहां हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक और फार्मा ने डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभालने का काम किया। नतीजे वैसे ज़्यादातर जो है मेजॉरिटी जो नंबर्स हैं, रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द एंड है, लेकिन कुछ तमाम कंपनियां जिसके नतीजे अब भी आने बाकी हैं, और ऐसी कंपनी अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे Q4 के आने वाले हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं सृष्टि ही हमें बता रही है। सृष्टि बताइए, अपोलो हॉस्पिटल नंबर से पहले तो करीब 1.5-2% तक की तेजी दिखा रहा है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि नतीजों की उम्मीद अच्छी ही है, जहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल्स की कंपनी की आय की बात करें तो वहाँ पे हालांकि हम तिमाही दर तिमाही करीब 3.6% यानी लगभग 4% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं, पर कंपनी का मुनाफा जो है तिमाही दर तिमाही 20% से भी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ सकता है। सभी पैमाने जहाँ पे हम देखें फार्मेसी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है, हॉस्पिटल बिजनेस में अच्छे तरीके से प्रदर्शन करती आ रही है, तो तिमाही दर तिमाही इन सभी आंकड़ों में ग्रोथ आने की ही उम्मीद है। आपको नंबर्स पे एक बार उम्मीदें बता दें तो कंपनी की आय करीब 4416 करोड़ रह सकती है, वहीं एबिटा का अनुमान हम 533 करोड़ का कर रहे हैं, हालांकि मार्जिन जो है तिमाही दर तिमाही लगभग सपाट 12% पे आने की उम्मीद है, यहाँ से कोई निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, और आखिरी में मुनाफे में 195 करोड़ हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। तो इन आंकड़ों के अलावा सबसे अहम होगा कंपनी का 24/7 जो सेगमेंट है वहाँ पे कितना कंपनी घाटा दर्ज करती है, क्या उस घाटे में तिमाही दर तिमाही कमी आई है या नहीं, उस पर नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो एक फैक्टर है जो कि कंपनी के पूरे नंबर्स को कहीं ना कहीं नीचे खींच कर लाने का काम करता है। तो उम्मीदें अच्छी हैं, बाकी जो मजबूत सेगमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उनसे अच्छा प्रदर्शन तिमाही दर तिमाही आने की हम उम्मीद लगा रहे हैं। 24/7 के आय और लॉस पे ज़रूर नज़र रखनी होगी, और हम देख ही रहे हैं कि नतीजों से पहले एक अच्छे एक्शन में अपोलो हॉस्पिटल्स। ओके ठीक है, डन, बहुत शुक्रिया सुश्री अब जानकारी देने के लिए, और अभी थोड़ी देर में हम खबर गर्म वाला सेगमेंट भी लेके आएंगे, लेकिन एक बार नंबर वापस से दिखाइए अपोलो हॉस्पिटल के, आशीष जी से ज़रा पता करते हैं कि वो कैसे सोच रखते हैं, इसके अंदर थोड़ा मार्जिन का प्रेशर आएगा, हमने और हॉस्पिटल्स के भी नंबर्स देखे हैं, उन सब में एक्साइटमेंट इस चीज़ की दिख रही है कि जो नॉन कोविड वाला बिजनेस है वो वापस बैक टू ट्रैक आया, वहाँ पर ग्रोथ दिख रही है, अब हॉस्पिटल्स रेगुलर थोड़ा कैपेक्स कर पा रहे हैं, अब उनको पता है कि हाँ कहाँ पे लगाना है, थोड़ा अच्छे से जांच परख के कर रहे हैं। आशीष जी एक बार आपकी रिकमेंडेशन, वैसे देखा जाए मार्जिन 12-13% भी कम नहीं होता, और 13-12 ही हो रहा है, कोई बहुत बड़ा स्लाइड तो नहीं हो रहा, और सभी फ्रंट पे तो ग्रोथ है, अबीटा पे, प्रॉफिट्स पे, रेवेन्यू पे, अपोलो हॉस्पिटल्स पे आपका व्यू पॉइंट क्या है सर? देखिए मेरे मुताबिक पॉजिटिव रहना चाहिए, अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको जरूर बने रहना चाहिए, क्योंकि आई थिंक हॉस्पिटल हेल्थ केयर ग्रोथ बहुत होने वाले हैं अभी, और जो अच्छी बात ये भी है कि इस सेक्टर में काफी कंसोलिडेशन हो गया है, लार्जर प्लेयर्स ने काफी हद तक मार्केट शेयर ले लिया है, और आई थिंक आगे चल के और कंसोलिडेशन होगा, तो बिटवीन अपोलो हॉस्पिटल्स एंड मैक्स हेल्थ केयर आई थिंक दोनों मेरे मुताबिक काफी अच्छे शेयर्स हैं होल्ड करने के लिए एक लंबी अवधि के लिए, दोनों में काफी मूवमेंट हो चुका है, फ्रेश बाइंग मैं नहीं समझूंगा कि इस लेवल पे अब करना चाहिए, थोड़ा वेट करें, बट अगर आपने ऑलरेडी नीचे लिया हुआ है तो जरूर होल्ड करके रखें, क्योंकि दोनों में मैं समझूंगा कि मैक्स हेल्थ केयर एंड अपोलो में आगे चल के और अच्छे मुनाफे बनेंगे। ओके डन, तो आपकी तरफ से हाँ है
और इस बीच मार्जिन का कुछ खास बड़ा असर इस समय देखने को मिल रहा है, चार्ट्स पे भी थोड़ा ठीक लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस पे बारे में चर्चा करेंगे। अभी अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट भी आप एक बार, कपिल आप इसके चार्ट्स देख के रखिए। इस बीच एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर जो हम रोज आपके लिए लेके आते हैं, खबर गर्म है वाले सेगमेंट में, आज भी है वो, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारी जो है डीलर से बात हो रही है और यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है फोकस में रहने वाला है। डीआई की खरीदारी चल रही है और पिछले दो दिन में जो है एक बड़ी ब्रोकिंग हाउस ने लगभग 3.5 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। वॉल्यूम्स की बात करें तो पिछले 15 दिन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स आया है और लगभग 3 टाइम्स इनके 20-डे एवरेज पे वॉल्यूम्स देखने मिले। और जो मर्जर हो रही है उनके होल्डिंग कंपनी के साथ उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ पे जो है मर्जर एक्सपेक्टेड है कि वो जल्दी कंप्लीटेड हो। याद रखिए जो डीआई शेयर होल्डर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बड़े नाम हैं जैसे कि ABSL म्यूचुअल फंड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रू लाइफ। और आज जो था एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव कमेंट्री भी आई थी जहाँ पे RBI ने विड्रॉ कर दिया उनके अपने ही दिए हुए नॉमिनी डायरेक्टर को कंपनी के बोर्ड से। अब इससे क्या हुआ है कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आया है, अपलिफ्ट आया है, ताकि रेगुलेटरी कंसर्न्स थोड़े कम हो गए हैं। और याद रखिए RBL बैंक भी फोकस में रहेगा, क्यों? क्योंकि योगेश दयाल को जो है RBI ने नॉमिनी डायरेक्टर के प्रति जो है कंपनी के बोर्ड में शामिल किया था। तो यहाँ पे भी जो है स्टॉक में बस देखने मिल रहा है इस बेसिस पे। लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे अगर फोकस करें तो स्टॉक जो है अपने 3 साल के हाई लेवल्स पे है, पिछले 3 सेशन में 10% से ज़्यादा का जो है ग्रोथ आया है। और इसके अलावा 15 एनालिस्ट का जो है टोटल ट्रैकिंग है स्टॉक में, लेकिन सब ने 100% बाय रेटिंग रखा है। लेकिन 12 मंथ टारगेट प्राइस क्योंकि स्टॉक में रनअप हो चुकी है तो अभी से 40 रुपीज़ पर शेयर आ रही है। ठीक है, खैर इस बीच अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स भी आ गए जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे, हाथों हाथ इसके बारे में भी एक व्यू पॉइंट आपके सामने रखेंगे। 5.5% ये शेयर ऊपर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। कपिल आपने चार्ट चेक कर लिए होंगे, नंबर्स में अभी दर्शकों को बताता रहूंगा, आप जरा चार्ट के जरिए बता दीजिए इस समय की सिचुएशन क्या है। सो अपोलो हॉस्पिटल राइट? यस ओके। तो अपोलो हॉस्पिटल का पिछले काफी दिनों का हम रेंज देखते हैं तो आई थिंक काफी महीनों से स्टॉक एक रेंज में ही बना हुआ है। नीचे में 4,100 का लेवल रहा हुआ है और ऊपर में 4,900 के लेवल रहे हुए हैं। अब पिछले काफी दिनों में एक अच्छा सा अपरन हमें देखने मिला हुआ है, कुछ ब्रेकआउट्स, बाद में रीटेस्ट, उसके फॉलोअप साइन भी हमने देखने मिले हुए हैं और स्टॉक अपने अपर बैंड के रेंज के यहाँ पे ही है। लेकिन अंडरलाइन टोन इसका पॉजिटिव है। जैसे कि मैं हेल्थ सर्विस एज एन पूरा सेक्टर देखता हूँ तो वहां पे 8 स्टॉक है और 8 स्टॉक में से इस पर्टिकुलर पॉइंट में 75% ऑफ काफी पॉजिटिव में लग रहे हैं। तो अंडरलाइंग सेक्टर का भी एक पॉजिटिव करंट हमें देखने मिलते आ रहा है। हालांकि आज इसके रिजल्ट्स के आने वाले हैं तो काफी अच्छी वॉलेटिलिटी इंट्राडे में हमें देखने मिली हुई है, काफी कुछ ऊपर के लेवल से हमें सेलिंग प्रेशर आते हुए देखने मिल रहा है। लेकिन वो एक फैक्टर आयरन आउट हो जाता है, ये थोड़ा सा इवेंट सेटल हो जाता है तो मुझे लगता है कि इसके बाद में इसका फ्रेश अपसाइड मोमेंटम रिज्यूम होना चाहिए क्योंकि अंडरलाइन टोन उसके पॉजिटिव में लग रहे देखने मिल रहे हैं। तो स्टॉक के कुछ नीचे में अगर नतीजे के खराब होने की वजह से कुछ स्टॉक प्राइस नीचे में देखने मिलता है तो स्टॉक का 4,500 के अराउंड में स्टॉप लॉस हम देख सकते हैं और ऊपर में 4,900 के जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे फिर से रिटेस्ट करें उसकी गुंजाइश बनती हुई देखने मिल रही है। कुल मिला के आप जो बात कह रहे हैं कि 4,500 का सपोर्ट है और 4,900 तक का टारगेट है, किसी रेंज के बीच में रहेगा। नंबर्स अगर ख़राब भी हैं तो लोअर एंड को टेस्ट करने के लिए जा सकता है बट इसको ब्रेक नहीं करेगा। वैसे मैं आपको बता दूं जो 2 आंकड़े मेरे पास आए हैं उस दोनों के आंकड़ों के हिसाब से नंबर्स खराब दिख रहे हैं। पहला, अभी हमने आपके सामने मार्जिन्स रखे थे कि 13 से 12 आएंगे और मार्जिन्स आए करीब 11 और वो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ, वो है 11.35 और हमारा एक्सपेक्टेशन था कि करीब 12 आएगा। मुनाफा है 145 करोड़ रुपये का, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 190 करोड़ प्लस नंबर्स आना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी का भी, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम आई है उम्मीद के मुताबिक, 97 से 190 आना चाहिए था, आया 145 है। एक बार रेवेन्यू की फिगर मेरे पास उसका मेरे को पॉइंट वो ध्यान नहीं है नहीं तो मैं आपको वो भी बता देता, लेकिन दो फ्रंट पे प्रॉफिट और मार्जिन्स के फ्रंट पे नंबर्स उतने ठीक है नहीं, इसलिए आप इसमें एक शार्प डिक्लाइन एकदम से देख पा रहे हैं। टेक्निकली चेक करने पर लग रहा है कि 4,500 से नीचे नहीं जाएगा। 9 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, इनकी आय बढ़ी है 3,546 करोड़ से 4,309 करोड़। जिस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ा है ना उस रेशियो में आय नहीं बढ़ी, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आय भी उम्मीद से कमी है। तो तीन फ्रंट पे, मार्जिन फ्रंट पे हल्का सा मिस है, 12 आना चाहिए तो 11.5 आया,
प्रॉफिट आना चाहिए था 190, आया 145, तो ये कम हो गया और रेवेन्यू के फ्रंट पे भी कम है। 9 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अनाउंसमेंट्स अभी हम और देख लेंगे, मार्केट कमेंट्री के साथ आ जाएगा और आपको ये भी पता लग गया कि 4500 के नीचे नहीं जाएगा। फंडामेंटल व्यू पॉइंट पॉजिटिव है, आशीष जी ने ये पास कर दिया। तो नंबर्स का रिएक्शन अब आपकी स्क्रीन पर है, आप एबिट नंबर भी देख पा रहे होंगे, तो इसमें कुछ खास बड़ा फर्क नहीं है, जस के तसी दिख रहे हैं, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करीब इसमें 10% के आसपास की बढ़ोतरी आएगी। तो कुछ खास नंबर के एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिल रहा, एक रेंज के अंदर अपोलो हॉस्पिटल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मानसी बिल्कुल, तो चलिए अपोलो हॉस्पिटल तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, ऑफकोर्स रिजल्ट का इम्पैक्ट, लेकिन रिजल्ट का ही इम्पैक्ट एक और फार्मा काउंटर पर है और वो है मार्कसेंस फार्मा। कंपनी के तिमाही नतीजे आए थे और ये नंबर्स आज आए हैं, करीब एक घंटा पहले नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। कंपनी के मुनाफे को अगर देखेंगे 28 करोड़ से कंपनी का मुनाफा सीधा 82 करोड़ पर जाता हुआ दिखा। रेवेन्यूज के फ्रंट पर भी बढ़ोतरी करीब 16% की देखने को मिली और मार्जिन 15% से सीधा 23% पर अपमूव हुआ, यानी कि मजबूती के साथ मार्जिन में भी ट्रेंड देखने को मिला। इसके ठीक बाद हमने देखा स्टॉक में एक मूवमेंट आई, करीब 7 से 8% की तेजी। अब इस वक्त अगर आप कैंडल्स पर देखेंगे तो एक हल्की सी मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है, लेकिन ऑल इन ऑल नतीजों का असर है जो कि 8% की तेजी यहां पर मार्कसेंस फार्मा के चार्ट पर नजर आ रही है। कपिल एक बार मार्कसेंस फार्मा के चार्ट चेक कीजिए। मार्कसेंस फार्मा के चार्ट जैसे हम देखने मिल रहे हैं, तो पहले एक टाइम था कि फार्मा सेक्टर की इतनी हेल्थ अच्छी नहीं थी, लेकिन अब के टाइम पे फार्मा सेक्टर्स की हेल्थ काफी अच्छी हो रही है, काफी स्टॉक्स रिकवर कर रहे हैं और जैसे कि मार्केट का ओवरऑल करंट है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप में काफी ज्यादा ट्रैक्शन देखने मिल रहे हैं, वो बाद में फार्मा सेक्टर क्यों ना हो, सीमेंट सेक्टर क्यों ना हो या फिर आईटी सेक्टर क्यों ना हो, लीडिंग स्टॉक इतने कुछ खास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स उस पर्टिकुलर स्पेस में काफी अच्छा कर रहे हैं। तो मार्कसेंस फार्मा भी काफी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि 6 से 8 वीक से एक लगातार अपसाइड मोमेंटम आ रही है, में कुछ एक वोलेटिलिटी मोमेंटम देखने मिल रही है, लेकिन ब्रॉडर अंडरलाइंग टोन उसका कुछ पॉजिटिव के यहां पे ही बनता है। 81 का अभी कुछ लेवल्स चल रहे हैं और जो प्रीवियस हाई थे उसके कुछ 83 के यहां पे है, तो मेरा मानना ये है कि स्टॉक 83 के ऊपर एक बार सस्टेन कर जाए, 1.5 रुपए का फर्क है करंट लेवल से, लेकिन 83 रुपए का लेवल सस्टेन कर जाता है ऊपर में क्लोज दे देता है तो एक कंफर्मेशन बनता है और रिजल्ट का भी रियल इंप्लीकेशन हमें देखने मिलेगा कि जब 83 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो वहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबाउट 83 और 83 के ऊपर इस स्टॉक का नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल मुझे कुछ 90 के अराउंड देखने मिल रहा है। 83 के पार जो है एक्शन दिखेगा, उसके बाद 90 तक भी जाने का दमखम रखता है मार्कसेंस फार्मा। ध्वनि, REC, PFC के चार्ट कल से अच्छा खासा चल रहे हैं, इनफैक्ट दो ट्रेडिंग सेशन का ट्रेंड अगर देखेंगे, आज तो हम देख रहे हैं 4% की तेजी REC में नजर आ रही है, PFC के चार्ट भी ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं आज के सत्र में करीब 4% की तेजी देख रहे हैं, लेकिन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन महज 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 10% चल गया और ऐसे ही कुछ तस्वीर आप देखेंगे REC के चार्ट में भी। सिर्फ और सिर्फ कल और आज की ये तेजी है, कैसे लग रही है चार्ट पर, क्या यहां से और ज्यादा अपमूव एंटिसिपेटेड है? 8% REC भी चला है कल से लेकर आज तक, तो यहाँ पे अगर मुझे चूज करना हो तो मुझे REC से ज्यादा PFC का काउंटर पसंद आता है। PFC में ऑलरेडी एक जो अपवर्ड राइजिंग चैनल बनी हुई है डेलीज पे, उसका कंटिन्यूएशन हो रहा है, करंट लेवल से इसके अंदर बाय करा जा सकता है और इसमें बना रहा जा सकता है। अगर किसी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी से इसको होल्ड करिए। नीचे की तरफ का आपका जो स्टॉप लॉस बनता है तो 177 का यहाँ पे स्टॉप लॉस आता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, आप 185 तक के अपमूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर अच्छे नहीं दिख रहे हैं, प्राइमा फेसी जैसे 12 नहीं आया, मार्जिन्स नहीं आया, 190 करोड़ का प्रॉफिट, शेयर ने स्लाइड किया और 55 रुपये की गिरावट आ गई है। तो मार्केट्स के अंदर बिल्कुल लास्ट चरण में दो नंबर आने थे, 48 नंबर्स आ चुके हैं अभी तक अर्निंग्स के और 34 नंबर्स ऐसे आए थे जिन्होंने उम्मीद से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दिखाया, 13 नंबर ऐसे थे जिन्होंने उम्मीद के कमज़ोर नंबर दिखाए। अपोलो हॉस्पिटल्स को इसमें जोड़िएगा, ये 49th नंबर है जो अभी आपके पास आया, अब एक अपोलो अडानी पोर्ट का नंबर आना बाकी रह गया बस, और आपके पास सारी 50 कंपनीज के नंबर आ चुके हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, 34 कंपनीज ऐसी थी जिनके नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, 14 हो जाएगा जिनकी उम्मीद से खराब है, एक नंबर बिल्कुल न्यूट्रल था, तो एक आना बाकी रह गया। अब आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने वो 48 नंबर्स का भी लेखा जोखा आपके सामने रख दिया है। अब एक पॉइंट मैं ज़रा और इसमें नोटिस करा देता हूँ, अपोलो हॉस्पिटल के बारे में भी जो 4500 का एक सपोर्ट है,
ये 4500 का सपोर्ट कपिल इसमें लगा के एक बार री एंट्री की जा सकती है। कई बार क्या होता है ना, पोस्ट नंबर्स आपको मौका मिल जाता है, तो आप इसके अंदर आएंगे या फिर आज का पूरा दिन देना चाहते हैं, कल की ओपनिंग देना चाहते हैं, उसके बाद इसके बारे में सोचें, क्योंकि ड्रैग तो हो रहा है बॉस, और एक गिरा है 65 रुपये। मेरी जब आपसे चर्चा हो रही थी तब सिर्फ 30 रुपये नीचे था जी। यस रिमी जी, डस्ट को सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, और लेट्स से आज तो काफी इवेंट डे है तो प्राइसेस में काफी सारे फ्लक्चुएशन देखने मिलेंगे, लेकिन टेक्निकली स्ट्रक्चर इसका काफी पॉजिटिव में है और 4500 का जो लेवल है वो काफी बार पहले रिटेस्ट हो चुका है और स्टॉक प्राइस ने यहाँ पे हमें कुछ मोमेंटम देखने मिले। लेट्स से कुछ दिन पहले हमने पेज इंडस्ट्रीज का एक काफी फॉल देखा था, उसके बाद में काफी अच्छे साइक हमने राइज भी फॉलोअप साइन में भी हमने देखने मिल गया था, तो ऐसा रिजल्ट के सीजन में काफी सारे एग्जैक्ट मोमेंटम हमें देखने मिलते हैं, लेकिन टेक्निकली अभी भी 4500 का लेवल इसके लिए स्टॉक के लिए काफी अच्छा है, तो वहां तक रिट्रेस कर जाए और वहां पर कुछ फॉलोअप साइन देखने मिल जाए तो वहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इवेंट डे को एक दिन थम जाए, कल के दिन के लिए हम इसके वैलिडेशन देख सकते हैं। ठीक है, डन सर, हम वेट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और इस स्विंग तो कर ही रहा है, लेकिन मोटा तौर पर आप ही मान सकते हैं इसके नंबर्स तो ठीक है नहीं। आशीष सर, अभी थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी जुड़े थे मेरे साथ, शरद, वो उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कह रहे थे, और उसमें खबर ये है कि ये जो छोटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके अंदर कुछ बड़े शेयर्स खरीद रहे हैं, कुछ बड़ा फंड जो है वो खरीदारी कर रहा है, ये आप आपकी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये 6.5-7% ऊपर आ चुका है, एक बार इसका इंट्राडे चार्ट भी दिखाइए। इसकी एक और कंपनी भी है सर फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम पर, वो एक अलग रेट पर है, वो उससे शायद 10 गुना बड़ी है, 350 का रेट है। एक बार ये छोटा वाला स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पे आपकी सर रिपोर्ट है, आप इस पे कुछ राय रखते हैं इस पे? देखिए, इसमें काफी देर से मैंने ट्रैक नहीं किया, बट ओवरऑल इस पूरे ग्रुप ने उज्जीवन जो दोनों कंपनी ने निराश किया है इन्वेस्टर्स को, बट अब ये जो आपकी खबर है जरूर एक तरह से एक्साइटिंग है और एक बार इसको फिर से देखना पड़ेगा, बट क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल हाल ही में ट्रैक नहीं किया तो मैं इस पे इमीडिएटली कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो अभी मैं इसमें से इसको इस पे कमेंट करने से मैं दूर रहूंगा। ओके, चलिए, तो इस पर इस वक्त ये राय, लेकिन इस बीच बाजार को देखना चाहिए क्योंकि लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में उम्मीदें थी और उम्मीद पर खराबी उतर रहा है मार्केट इस वक्त। बैंक निफ्टी को सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर आए, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बैंक निफ्टी 44,486 के लेवल्स देख चुका है। चार्ट्स एक बार देखेंगे इंडेक्सेस के, निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही मिड कैप प्लेस में, मिड कैप ब्रॉडर इंडिसेस में भी निचले स्तरों से या फिर जो रेंज बाउंड मार्केट नजर आ रहा था वहां से हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी और बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस कल ही की तरह आज वापस बैंक निफ्टी जो है वो परफॉर्म करता हुआ 44,486 के लेवल्स आज देख चुका है और निफ्टी के चार्ट्स में भी मजबूती इस वक्त क्लियरली नजर आ रही है। लेकिन इस बीच कई सारे ट्रिगर्स भी हैं और इवेंट्स भी हैं, और एक और ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट है MSCI इंडेक्स। जी हाँ, रीबैलेंसिंग की जहां हम बात करते हैं, MSCI इंडेक्स में कल से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। किन शेयरों की एंट्री होगी, किन शेयरों की एग्जिट होगी, एडिशंस डिलीशंस के बाद स्टॉक्स में किस तरह के रिएक्शन नजर आ सकते हैं, एक बार विस्तार से जानते हैं। सारी डिटेल्स देकर सौमित हमारे साथ मौजूद है। सौमित, आप बताइए। MSCI के चेंजेस पहले ही अनाउंस कर दिए गए थे, बट जो एडजस्टमेंट डेट है वो कल की है, मतलब जो भी इन्फ्लोज आउटफ्लोज जो चेंजेस हुए हैं उन शेयर्स में कल देखने को मिलेंगे। अब नोवामा के हिसाब से जो नेट इन्फ्लो हो सकता है इंडिया में वो करीब 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का है। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो इंक्लूजन्स में नाम है मैक्स हेल्थ केयर का, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लो होगा करीब 312 मिलियन यूएस डॉलर्स का, जो कि करीब 9 times है उसके 20-day एवरेज वॉल्यूम के सामने। उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सोना BLW, ये दोनों ही स्टॉक इंक्लूड हुए हैं, जिनमें इन्फ्लोज करीब 170-196 मिलियन यूएस डॉलर्स का होगा, जो कि करीब 5-7 times इसके 20-day एवरेज के वॉल्यूम के सामने है। अब एक्सक्लूजन के सामने अगर हम बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस और इंडस्टार्स, ये तीनों ही स्टॉक एक्सक्लूड होने वाले हैं इंडेक्स के, जिसके वजह से जो आउटफ्लो होगा वो करीब 84-190 मिलियन यूएस डॉलर्स होगा, जो कि करीब 5-10 times है इसके 20-day एवरेज वॉल्यूम के सामने। अब वेट एडिशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक फोकस में आता है, क्योंकि इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज आने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो कोटक महिंद्रा बैंक का वेटेज है इंडेक्स में वो बढ़ गया है और इन्फ्लोज जो होंगे वो करीब 800 मिलियन यूएस डॉलर्स का होगा, जो कि करीब 8 times है इसके 20-day एवरेज वॉल्यूम के सामने।
उसके अलावा अगर हम देखें तो ONGC, अल्ट्राटेक, इंडिगो, NTPC और पावर ग्रिड, ये सभी की स्टॉक्स हैं जिसमें करीब 50 to 71 million US dollars की इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है, जो कि करीब 2 to 8 times इसके 20-day एवरेज वॉल्यूम के सामने है। उसके अलावा JSW स्टील, श्री सीमेंट और BPCL पे भी फोकस रहेगा, क्योंकि करीब 35 to 73 million US dollars के आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये तीनों ही स्टॉक्स के वेटेजेस कम हुए हैं जिसके वजह से आउटफ्लोज होने वाले हैं, और जो आउटफ्लो का अमाउंट है वो करीब 3 to 5 times है इसके 20-day एवरेज वॉल्यूम के सामने। स्वामी आपका शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो MSCI रिजिक जो कि कल स्केड्यूल्ड है, इस पर ये खास रिसर्च, आपको बता दें कि इंडिया अगर नुवामा की रिपोर्ट की माने तो एक पैसिव नेट पैसिव फॉरेन फ्लो जो है अपवर्ड $500 million का नजर आ सकता है, ये भी है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स या संस्थागत निवेशकों की भी बाइंग लगातार देखने को मिल रही है। अगर MSCI इंक्लूजन्स की अगर बात करें, पर्टिकुलरली MSCI की डिटेल्स की बात करें, इनमें इंक्लूजन्स में 3 stocks है, मैक्स हेल्थकेयर, HAL और साथ ही सोना BLW। मैक्स हेल्थकेयर के फ्लोज जो हैं $312 million, HAL करीब $196 million, सोना BLW $171 million। HAL के चार्ट्स को एक बार चेक करते हैं, ध्वनि आप राय दीजिए। करीब 3% की तेजी डिफेंस प्लेज में हमने एक्शन तो देखा ही है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिफेंस मेजर आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, और अब MSCI का भी एक जो इंक्लूजन की डिटेल्स आ रही है उसका एक इम्पैक्ट आता दिख सकता है, क्या राय होगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल HAL का चार्ट स्ट्रक्चर जब हम चेक करते हैं तो आज के दिन में इसने जो रेंज ब्रेकआउट है वो दिया है, इसका ओवरऑल फॉर्मेशन इसको बोलते हैं तो रेड बेस और ग्रीन बोलते हैं, जिसके अंदर हमें एक बेस फॉर्मेशन मिली है, बुलिश रिवर्सल इसके बोलते हैं वो देखने को मिला है। करंट लेवल से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, आपका जो टारगेट यहाँ पे बनता है तो ओवरऑल ऑप्शन डेटा सजेस्टिव है कि 3200 तक के यहाँ पे टारगेट अचीवेबल है। नीचे की तरफ में आपको जो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो आप इसके अंदर लोअर लेवल पे यहाँ पे 3060 का स्टॉप लॉस रखिएगा। ओके ठीक है, निफ्टी बैंक के समय 12 में से 8 शेयर तेज हैं आज, और बैंक निफ्टी की ठीक ठाक रिकवरी है, सुबह तक सिर्फ 7 शेयर तेज थे, तो इक्का दुक्का शेयर से ही मार्केट की वेटेज कैसे इंप्रूव हो जाती है आप इसी का अंदाज़ा देख पा रहे होंगे। नए रिकॉर्ड स्तरों पर भी आज बैंक निफ्टी ने छूट दिया, नया रिकॉर्ड रोज बनाएगा, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जब पिछली बार निफ्टी के रिकॉर्ड स्तरों के आसपास थे तो हमने 2-3 बार उन लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ब्रेक हुआ तो फिर हम कई दिन तक हम रिकॉर्ड को रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और स्टॉक्स जरा चेक कर लेते हैं कि आज कहाँ पे तेज़ी है, कहाँ पे मोमेंटम है और कौन कौन से शेयर देखे जा सकते हैं। एक शेयर मेरे लिस्ट में और है जिसका नाम है SBI कार्ड्स। एक बार धोनी आप SBI कार्ड्स को चेक करोगे? ये मैं BTST के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, 3:17 है मेरे पास BTST का समय है, और मेरे को SBI कार्ड जरा पता करवाना है आपसे। बिल्कुल, यहाँ पे मोमेंटम जो है डिम्पी वो ऊपर की तरफ का बना हुआ है, आप इसको BTST के तरीके से होल्ड कर सकते हैं, जिनके पास ऑलरेडी बाइंग पोजीशंस है वो भी इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। करंट लेवल से आप इसके अंदर एंटर करिए, 950 के पास इसका टारगेट रहेगा, जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है इसके अंदर तो आप 903 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ठीक है कपिल, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बारे में जो शरद अभी खबर देखे गए कि इसको मैं BTST कर सकता हूँ, मेरे को इसका बड़े वाला चार्ट और छोटे वाला चार्ट दोनों में अच्छा लग रहा है, स्मॉल फाइनेंस भी और फाइनेंशियल सर्विसेज भी, आप एक काम कर सकते हैं दोनों जरा दिखाइए स्क्रीन पर, एक 3600 वाला और एक 300+ रुपये वाला होगा, दोनों का रख लो आप, और कपिल आपको मैं चॉइस दे देता हूँ, आप दोनों में से जो आपको ठीक लगता है बता दो। ओके, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बारे में मैं पहले बात करना चाहूंगा, इस स्टॉक ने इसी पर्टिकुलर मंथ में 32% की अपसाइड मोमेंटम दर्ज की हुई है, एंड अक्रॉस ऑल द सेक्टर, मीन्स ये जो आपका एक स्मॉल सेगमेंट है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस हो गया, ई स्मॉल बैंक हो गए, तो वहां पे अक्रॉस द बोर्ड इक्विटास के हमें काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, और वो स्टॉक को मैं काफी ज्यादा फॉलो करता हूँ कि ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट करते हैं और बाद में फिर से उसके अपसाइड मोमेंटम देखने मिलती है, तो स्टॉक ने वो एक पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन बनाया हुआ है। आज के तारीख में मैं जो मार्केट के टिकर्स भी देखता हूँ तो सबसे ज्यादा आंख में फाइनेंशियल स्टॉक्स ही आ रहे हैं, और ये जो मार्केट को अपसाइड जो लिफ्ट दी हुई है वो कारण फाइनेंशियल स्टॉक का एक मेजर प्लेयर रहा हुआ है, और ये स्टॉक का जो अपसाइड मोमेंटम आज भले ही
परसेंट की अपसाइड मोमेंटम स्मॉल फाइनेंस ने दी हुई है, लेकिन इसके पहले काफी दिन का इसका बेस बना हुआ है, मूविंग एवरेज को टच करते हुए स्टॉक प्राइस काफी अच्छे से ऊपर में जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्मॉल फाइनेंस में जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो बरकरार रहेगी, और जो इसके जो इमीडिएट हर्डल्स पॉइंट जो थे पहले के लेट्स से कि 34-35 के अराउंड थे, वो भी काफी अच्छे से इसके प्ले आउट हो चुके हैं, एक अपसाइड में सस्टेन कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 36.85 चल रहा है, हम एक बीटीएस टेस्ट में कर सकते हैं, और नेक्स्ट बेस्ट लेवल मुझे कुछ 38.70 का देखते हुए मिल रहा है। बाजार में निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी नजर आ रही है, और इस रिकवरी में सबसे बड़ा योगदान बैंक्स फाइनेंशियल्स का है। इस वक्त अगर आप हीट मैप को देखेंगे और बाजार में कंट्रीब्यूटर्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो पहले चार काउंटर्स जो आपको देखेंगे वो बैंक्स ऑफ फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। कोटक बैंक देखिए, एक्सिस बैंक देखें, आईसीआईसीआई बैंक, और साथ ही बजाज फाइनेंस, जिसका जिक्र आज सुबह निकुंज भी कर रहे थे। बजाज फाइनेंस के चार्ट्स पर भी नजर होनी चाहिए, यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर मजबूती जो है वो कायम रहने के आसार भी देखने को मिले हैं। एक बार आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर फंडामेंटल आउटलुक, एक बार आशीष जी बताएं, बैंक्स फाइनेंशियल्स में बड़ी दिग्गज प्लेयर्स भी कामकाज कर रही हैं, कल इस पर हमने विस्तार से बातचीत भी की थी कि बड़ी दिग्गज का बैंक पर नजर होनी चाहिए या फिर छोटी मझौली, वैसे क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज, एनआईएस का लगातार बढ़ना और एनपीएस का कम होना, ये सारी की सारी बैंक्स के लिए अच्छा है, लेकिन पोर्टफोलियो में किस तरह के प्लेयर्स को ऐड करना चाहिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट से? देखिए, मैंने तो अभी जैसा मैंने ठीक बताया, क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है आगे चल के, और एक तरह से बहुत अच्छा टेलविंड है बैंक्स के पास, क्योंकि तकरीबन सभी की बैलेंस शीट्स पे जो भी दिक्कतें थी वो पिछले कुछ सालों में हम सॉल्व हो गई हैं। एनपीएस तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड काफी अंडर कंट्रोल है, और क्रेडिट ग्रोथ आगे आ रहा है, सो उनकी लेंडिंग पावर भी अच्छी है, क्रेडिट ग्रोथ भी आ रहा है, और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ भी है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेक्टर है, और इसलिए मोमेंटम अच्छा आ रहा है। मैं तो समझूंगा कि अभी भी बजाज फाइनेंस नीचे से काफी चल चुका है, बट हमेशा हाई बीटा स्टॉक रहा है, नीचे भी काफी तेजी से गिरता है बट ऊपर भी बहुत तेजी जाता है, तो अभी भी इसमें काफी दम है मेरे मुताबिक ऊपर जाने का। अपना ऑल टाइम हाई तो डेफिनेटली रिक्लेम कर सकता है, जो कि इटसेल्फ यहाँ से अराउंड आई थिंक 15% और अपसाइड होगा, तो बजाज फाइनेंस को एक तरह से अभी भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप में लार्ज कैप पे जाना है। बल्कि और इसके अलावा अगर मिड कैप में बात की जाए, तो मेरे मुताबिक जैसे मैं थोड़ा पहले भी बताया था, मेरे मुताबिक पीएसयू बैंक्स का जो मिड कैप स्पेस है, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें मेरे मुताबिक अभी भी काफी अच्छा स्कोप है और जाने का, क्योंकि इन्होंने थोड़ी वेरी रिसेंट पास्ट में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है कम्पेयर टू द बैंकिंग सेक्टर, और मेरे मुताबिक इसमें दोबारा मोमेंटम आना चाहिए। इनका भी बहुत सालों बाद एक मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट इनकी काफी क्लीन है और क्रेडिट ग्रोथ का इनका काफी स्कोप है, तो वहां पे हो सकता है। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म एक बहुत अच्छा बैंकिंग स्टॉक चाहिए, तो मेरे मुताबिक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, क्योंकि इसका जो पिछले तिमाही के नतीजों में साफ नजर आ रहा है कि बैंक ने टर्न अराउंड किया है, और हमने देखा है कि जब भी एक तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक का टर्न अराउंड होता है, तो उसको अगर आप लेके रखते हैं कुछ साल के लिए, तो आपका जो कैपिटल क्रिएशन है बहुत अच्छा हो सकता है। तो मेरे मुताबिक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफी मूव हो चुका है 40-45 रुपीज से 70 रुपीज, बट मेरे मुताबिक अभी भी अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं और कोई एक मिड कैप बैंक को पकड़ के रखना चाहते हैं कुछ सालों के लिए, 3-5 साल ऐसे लंबे अवधि के लिए, काफी लंबी अवधि के लिए, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को आप अभी भी खरीदारी करके कर सकते हैं, और मेरे मुताबिक यहाँ से अभी भी इसमें बहुत स्कोप है लॉन्ग टर्म कैपिटल क्रिएट करने का। बैंक का डेफिनेट टर्न अराउंड है, प्रेजेंस बहुत अच्छी है, और मेरे मुताबिक इनकी इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होने वाली है आने वाले सालों में, तो यहाँ से बहुत अच्छा आपको कैपिटल क्रिएट करके। बिल्कुल आशीष जी, बढ़िया स्टॉक सुझाया आपने, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म बेट है और अच्छे लेवल्स पर भी इस वक्त मिल रहा है, तो लंबी अवधि के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर एक बार नजर होनी चाहिए। लेकिन ध्वनि, आज सुबह सफायर इनफैक्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ही काफी हद तक फोकस में है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स की सफायर फूड्स पर एक रिपोर्ट आई थी, खरीदारी की राय 1700 तक के टारगेट्स, और आज स्टॉक में हमने देखा करीब 5% की तेजी। सफायर फूड्स के चार्ट्स पर तो आप अपनी राय दीजिए, लेकिन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेज में स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, जुबिलेंट फूड, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, ये सारे के सारे स्टॉक शामिल हैं, कैसे देखें इस स्पेस को, इन स्टॉक्स में से टॉप पिक आपके हिसाब से?
सफायर का यहाँ पे अगर हम चार्ट देखते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे देखने मिल रहा है मोमेंटम प्लेस का जो है वो ऊपर की तरफ का है। आरएसआई का हमें वीकली चार्ट पे यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, और डेली चार्ट पे जो नोटिसेबल पॉइंट यहाँ पे ये है कि गोल्डन क्रॉसओवर जो है वो आज के मूव में हमें गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से डेफिनेटली इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्योंकि इसके जो टारगेट्स है वो ऊपर की तरफ में आपके एक्सटेंड हो सकते हैं 1500 के लेवल तक। आपको स्टॉप लॉस इसके अंदर जो रखना है वो 1365 का रखना है। ओवरऑल इस स्पेस को अगर हम देखते हैं तो पूरा ही स्पेस यहाँ पे मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। जुबिलेंट फूड का जो ब्रेकआउट लेवल है तो यहाँ पे 503 का ब्रेकआउट लेवल बनता है जुबिलेंट फूड का, जिसके ऊपर इसके अंदर भी हमें एक क्विक अपमूव देखने को मिलेगा। बट जहां तक 503 क्रॉस नहीं होता है तो वहां तक हमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बट एक इन्वेस्टमेंट और एक यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से देखते हैं तो 503 का एक ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे जुबिलेंट फूड के अंदर बनता है। ओके ठीक है। वैसे तो सारे मिनट रह गए मार्केट बंद होने में, ज़्यादा स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करना भी नहीं चाहिए और जितना है उसी को संभालना चाहिए, चेक करना चाहिए लास्ट के 2-2.5 मिनट। लेकिन कुछ एक ऐसे शेयर्स के बारे में पता कर लेते हैं, भले आप उसको ना खरीदें लेकिन वो कल आपके ज़रूर काम आ सकते हैं। एक बार पॉली कैप के बारे में बात करते हैं, HDFC AMC के बारे में बात करते हैं। कपिल जरा जल्दी जल्दी देख के बताइएगा, आपको राय नहीं देनी मत दीजिएगा, हम BTST नहीं भी करेंगे लेकिन हमको थोड़ा आइडिया होगा कल इस शेयर को देखेंगे हम, HDFC AMC और दूसरा पॉलीकैप। HDFC AMC और पॉलीकैप को मैं दोनों स्टॉक एज स्ट्रक्चर वाइज देखता हूँ, तो HDFC AMC अपने खराब स्ट्रक्चर को अभी रिपेयर कर रहा है जबकि पॉलीकैप अपना जो बुलिश स्ट्रक्चर था उसको कंटिन्यू कर रहा है। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो पॉलीकैप को ही रहेगी क्योंकि उसने एक अच्छा सा मूव दिया हुआ है, कुछ दिनों में एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है और आज एक फ्लैग पैटर्न का फिर से हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो ऑफकोर्स पॉलीकैप को एक प्रीफर करना चाहिए एज अ ट्रेड बेट, कल के दिन के लिए आप रडार में रख सकते हो। एंड HDFC AMC भी मीन्स जो जिस हिसाब से उसके पहले के स्ट्रक्चर खराब थे और जब भी वो रिएक्शन लेवल पे आता था और वहां पे हमें रिएक्शन देखने मिलता था, लेकिन अभी उसका एक सीनेरियो यहाँ पे चेंज होते हुए दिखने मिल रहा है। लेकिन स्टॉक 4% से बड़ा बढ़ चुका है, स्ट्रक्चर वाइज माइंड रेशन लेवल पे है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के रेशन पे है, तो HDFC AMC को प्रीफर ना करते हुए पॉलीकैप को हम प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, आप भले इसको BTST मत कीजिएगा, आज सिर्फ दिखाने का पर्पस ये था कि शेयर की देखिए क्या शानदार मूवमेंट है और क्या अच्छी क्लोजिंग हो रही है। ये पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है, 12 बजे के बाद का पहले का शेयर अलग है, 12 बजे के बाद का शेयर बिल्कुल अलग है, क्लोजिंग अच्छी जा रही है। आप बैक टू बैक इसमें वॉल्यूम और प्राइस दोनों आपने देखा, सेम आप दूसरा शेयर जो हमने दिखाया HDFC AMC उसको भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। क्या शानदार क्लोजिंग, और पूरा आपको मौका मिला आज पार्टिसिपेट करने का, डेज आई पे ये जाके शेयर क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब इन शेयर्स को हम कल भी देख सकते हैं। अब भले मत करो आज BTST, लेकिन कल अपनी स्क्रीन पे लगा के देखना ये कंटिन्यू कितना करते हैं, दम अच्छा है और इन दोनों में से भी पॉलीकैप थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। ABFRL एक और शेयर है, बस इसके बारे में और पता कर लेते हैं। धोनी आप जरा देख के बता दीजिए, कल हम अपनी वॉच लिस्ट में डाल दें, उसके बाद फिर क्लोजिंग की तरफ पढ़ेंगे। जी बिल्कुल डिम्पी, ये डेफिनेटली मेक करता है कि इसको हम लोग वॉचलिस्ट के अंदर डालें। ओवरऑल इसमें जो देखने को मिल रहा है तो ये RSI का डाइवर्जेंस भी जो है डेली चार्ट पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रीवियस स्विंग लोस जो प्राइस के बने थे और अभी फिलहाल जो बने हैं तो RSI यहाँ पे पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। RSI के अंदर हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है तो करंट लेवल आप इसके अंदर एड अभी फिलहाल तो देर हो चुकी है। कल का फॉलो अप मूव देखिए, इसके अंदर आपको 805 के ऊपर ओपनिंग मिलती है तो आप डेफिनेटली एंटर करिए। ऊपर की तरफ के इसके जो टारगेट बनते हैं तो आपको 229 तक का टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जो है वो इसके अंदर आप 196 का लेके चलिएगा। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में दिन भर म्यूटेड एक्शन दिखाने के बाद बाजार ने रिकवरी अटेम्प्ट की, और ये रिकवरी भी काबिले तारीफ रही क्योंकि रिकॉर्ड स्तर पर हमने बैंक निफ्टी को फिर से देखा रिकॉर्ड ऊंचाई पर अच्छे खास एक्शन के साथ, और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ने आज भी कमान संभाली। सेक्टर्स पॉकेट्स की अगर बात करें, चुनिंदा सेक्टर्स और पॉकेट्स में अच्छा खासा एक्शन भी देखने को मिला, और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस की अगर बात करेंगे, टॉप गेनिंग मोमेंटम कई सारे स्पेसेस में देखने को मिला। बैंक्स ऑफ कोर्स लीड कर रहे थे, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक जैसे काउंटर्स में हमने अच्छा खासा एक्शन देखा। इस बीच इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस को भी देखते रहे क्योंकि वहां पर भी अच्छी खासी तेजी के बीच ही यहां पर ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आएंगे। हरे निशान के साथ ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिखा। एडवांस डिक्लाइंस की अगर
अगर तस्वीर देखेंगे एडवांसेस का पलड़ा इस वक्त भारी 1166 एडवांसेस के सामने 856 डिक्लाइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो अंडरटोन बिल्कुल बुलिश है मार्केट का और इनफैक्ट हमने देखा कि कल की जो तेजी है, ऑफकोर्स कल का सेशन काफी हद तक आउट परफॉर्मिंग सेशन था, लेकिन आज के सत्र में भी लास्ट आवर में बाजार ने अपने आप को काफी अच्छे से संभाल लिया। गिरावट कहां से हावी हुई, L&T के स्टॉक ने आज बाजार को सपोर्ट नहीं किया। सन फार्मा में भी हमने देखा कमजोरी के साथ ट्रेड, हालांकि औरोबिंदो फार्मा ने सन फार्मा के विपरीत अच्छा एक्शन दिखाया। आज के सत्र में दो ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट्स थी जिसका एक इंपैक्ट था जो कि औरोबिंदो फार्मा के चार्ट्स में देखने को मिला। तो हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और फार्मा को एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ देखना होगा और इनफैक्ट इनमें चुनिंदा काउंटर्स है जो कि काफी अच्छा एक्ट कर रहे हैं और कुछ काउंटर्स है जिसमें हम बिकवाली भी देख रहे हैं। इसके अलावा हिंडालको, टेक महिंद्रा, SBI जैसे स्टॉक्स थे जहां पर गिरावट हावी होती रही। ब्रॉडर मार्केट्स ने भी बाजार को संभाला। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में मिड कैप में भी हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर जरूर दिखा, लेकिन उसके साथ साथ मिड कैप प्लेयर्स की अगर बात करें, औरोबिंदो फार्मा जिसका हमने अभी अभी जिक्र किया, REC, PFC और रैमको सीमेंट। ऑफकोर्स सीमेंट प्लेयर्स को बिल्कुल ना भूले क्योंकि आज जो दक्षिण भारत में सीमेंट कीमतों में बढ़ोत की खबरें आई उसके ठीक बाद मिड कैप सीमेंट प्लेयर्स और पर्टिकुलरली सदर्न बेल्ट में कार्यरत सीमेंट कंपनियों में अच्छा खासा एक्शन। रैमको सीमेंट देखिए 4% तक की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ इंडिया सीमेंट के चार्ट को भी लेकर आया। हैवी वेट्स ACC, अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट को भी एक बार स्क्रीन पर दिखाएंगे। MSCI इंडेक्स के जो बदलाव है वो कल से लागू होते हुए देखें, पास इसका अनाउंसमेंट आ चुका था लेकिन ये बदलाव कल यानी 31 मई से लागू होंगे और इसमें इंक्लूजन कैटेगरी में जो स्टॉक्स हैं उसमें भी एक रिएक्शन दिखा, जैसे मैक्स हेल्थ केयर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सोना BLW, इन तमाम स्टॉक्स में हमने अच्छा खासा एक्शन देखा। बहरहाल रिजल्ट स्पेसिफिक लास्ट लेग में जरूर है लेकिन जो जो नतीजे आ रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। शानदार नतीजे थे फोर्स मोटर्स के, इसके ठीक बाद हमने स्टॉक में अपर सर्किट 20% की देखी और इस वक्त भी फोर्स मोटर्स के चार्ट को स्क्रीन पर लेकर आएंगे। चौथी तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई जिसका असर 20% की अपर सर्किट के साथ ये क्लोज होता हुआ। शोभा लिमिटेड में Q4 में कंपनी की आय में अच्छा खासा एक्शन, 70% की बढ़ोतरी थी। रियल एस्टेट अपसाइकल दिखाई रहा है और आज शोभा लिमिटेड में भी अच्छी खासी मजबूती, मुनाफे में भी हमने 3 गुना की बढ़त देखी। तो शानदार नतीजा, नतीजों का इम्पैक्ट है। रेलवे स्टॉक्स आज संभल नहीं पाए, रेलवे स्टॉक्स में इम्पैक्ट कह सकते हैं अच्छी खासी चलने के बाद अब स्टॉक्स में गिरावट जो है वो हावी होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट नतीजों का भी ट्रिगर है कल RVNL के नंबर्स से जो कि कमजोर थे, RCTC ठीक ठाक नंबर्स थे लेकिन उसके बाद भी रेलवे स्टॉक्स में हम एक्शन नहीं देख पाए। बजाज ट्विंस पर नजर जरूर रखें, बजाज फाइनेंस में अच्छा एक्शन है और साथ ही हम देख रहे हैं बजाज फिनसर्व में भी एक्शन पैक कामकाज। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को देखेंगे हर सेक्टर हर पॉकेट में एक्शन दिखा, कुछ पॉकेट्स में अच्छा ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला जैसे कि मीडिया, FMCG, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स और IT। हालांकि PSU बैंक, एनर्जी, फार्मा और रियल्टी, साथ ही ऑटो में हमने देखा थोड़ी सी कमजोरी आज के सत्र में दिखी। 18633 के लेवल्स पर निफ्टी में क्लोजिंग हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ सेंसेक्स 62970 के इर्द-गिर्द और मिड कैप में भी हरे निशान के साथ ही ट्रेड्स क्लोज हो रहे हैं। म्यूटेड स्टार्ट लेकिन क्लोजिंग अच्छी खासी दिखी, तो कह सकते हैं कि बाजार ने आज भी व्यूअर्स को और साथ ही पार्टिसिपेंट्स को खुश होने का मौका दिया। चलिए क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आशीष, ध्वनि और कपिल, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब, साथ ही आपके एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहे ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।